नमस्कार दोस्तों, चर्चा बोर्ड द फिल्म एड में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज एक एक्स्ट्रा माइल के बारे में, जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये एक फैमिली ड्रामा जॉनर वाली वेब सीरीज है। इसके डायरेक्टर हैं गौरव अरोड़ा और इस कहानी को लिखा है अनुया जगतकर और गिरीश नारायण दास ने। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस वेब सीरीज को और जानेंगे क्या वेब सीरीज के प्रोस कॉन्स और क्या ये वेब सीरीज आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अभिषेक, स्वाति एंड उनके एक छोटे से हैप्पी फैमिली की। अभिषेक एक कंपनी में काम करता है, स्वाति एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। इनका एक बेटा भी है नमन। तो बात यह है, अभिषेक अपने जॉब में इतना ही बिजी रहता है कि वो घर के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता, जिस वजह से पिछले 5-6 साल से अभिषेक अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने तक भी नहीं गया। एंड इसी वजह से उसके वाइफ स्वाति एंड बेटे नमन काफी ज्यादा अपसेट रहते हैं। तो इस बार पूरी फैमिली मिलकर एक रोड ट्रिप प्लान करती है। तो अब आगे क्या होता है, क्या ये रोड ट्रिप पूरा हो पाता है या फिर हर बार की तरह अभिषेक की जॉब इस रोड ट्रिप को भी बर्बाद कर देती है, इसका जवाब मिलेगा आपको वूट ऐप पे, जहाँ पे ये वेब सीरीज अवेलेबल है। सीरीज की स्क्रिप्ट अच्छी है एंड इसका स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक है। रोड ट्रिप के ऊपर इससे पहले भी हमने काफी फिल्में, काफी वेब शोज हमने देखे हैं, तो इसकी कहानी में कुछ नयापन ऐसा देखने को नहीं मिलता। पर इसमें एक फैमिली और एक जॉब वाला एंगल डाला गया है जो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। बात करें अदर फिल्मी एस्पेक्ट्स की, तो स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है पर इंटरेस्टिंग सीन्स कंसिस्टेंट नहीं रहते। सिनेमाटोग्राफी डिसेंट है एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक है। डायलॉग्स ओके टाइप है, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायलॉग्स हमें सुनने को नहीं मिलते। ह्यूमर को इंक्लूड किया गया है पर वो बहुत ज्यादा हिलेरियस नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नजर डालते इसके कास्टिंग के ऊपर। सो इस सीरीज के लीड रोल में है अनु सचदेवा, मेघना कौशिक और नीव आहूजा। सभी की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है। समीर अपने किरदार को ठीक ठीक तरीके से निभाया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ठीक ठाक रहता है। एडिटिंग अच्छी है। पूरे सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स है एंड पूरी सीरीज लगभग 1 घंटा 23 मिनट की है, जो एक पल के लिए भी लेंदी फील नहीं होती, जो अच्छी बात है। सीरीज में एक गाना भी है जिसके लिरिक्स दोनों ठीक ठाक रहती है। ये सीरीज हमें फैमिली वैल्यूज भी काफी सिखाती है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, जॉब या फैमिली। इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया है, वो देख के काफी अच्छा लगा। क्लाइमैक्स की बात करें तो इसका क्लाइमैक्स डिसेंट रहता है। इन शॉर्ट ये एक अच्छी वेब सीरीज है। एंड अगर वर्डिक्ट की बात करें, क्या ये वेब सीरीज आपको देखना चाहिए या नहीं, तो हाँ, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये वेब सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। मैं इस सीरीज को रेट करता हूँ 6.7 out of 10 stars। पैंडागैलेंस की बात करें तो ये टोटल फैमिली फ्रेंडली है, इसमें कुछ भी वायलेंस न्यूडिटी वगैरह दिखाया नहीं गया है, यानी ये पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन क्या है हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं कहाँ, वो टैप पे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्में देखना पसंद। और हम चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।